बर्बाद है इनकी सरकार। लाल टेन प्रदेश बना के रख दिया था इन्होंने मध्य प्रदेश को। हमारे बच्चे रात को पढ़ नहीं पाते थे, खेत में सिंचाई तक नहीं हो पाती थी, बिजली थी कहां। तो शिवराय ने आकर प्रदेश को रोशन कर दिया, पूरे प्रदेश का जीवन अंधकार में धकेल कर गए थे ये लोग। तो माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार। अरे जब होनहार बच्चे लोन और एडमिशन के लिए तरस रहे थे, तब ये अपने बच्चों को विदेश भेजकर इतरा रहे थे। ये तो शिवराज था जिसने आकर इन मेधावी बच्चों का हाथ थामा है। अब हमारी तरक्की देखी नहीं जाती इनसे। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार। अरे गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलने लायक रास्ते तक नहीं छोड़े थे इन्होंने। वो तो जब शिवराज आया तब कहीं जाकर गली मोहल्ले और गांव शहरों में सड़कें दिखने लगी। अरे ऊंचे महलों में रहने वालों, तुम क्या जानो गरीब की तकलीफ को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। जरूर दीजिएगा। याद है इनकी सरकार। ये लोग जब दिल्ली जाकर एक परिवार की सेवा में व्यस्त थे ना, तब शिवराज था जो केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए फंड ला रहा था। अपने आकाओं की सेवा से फुर्सत मिलती तो ये देख पाते ना हमारी और प्रदेश की जरूरतों को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार। 10 सालों में बूंद बूंद के लिए तरसा दिया था फसलों को, खेत बंजर दिखने लगे थे। दर्द तो हमारा सिर्फ शिवराज ने समझा। किसान का बेटा है ना, गांव गांव में नहर और बिजली ले आया वो। अरे पानी खाद और यूरिया तक के लिए तरसा दिया था इन्होंने किसानों को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ओपनिंग क्लोजिंग है क्या? कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि आरएसएस को लेकर कांग्रेस की वही राय है जो कानून की राय है। तन्खा होशंगाबाद में सरताज सिंह का प्रचार करने पहुंचे थे। चुनावी दौरे पर होशंगाबाद पहुंचे विवेक तन्खा ने कांग्रेस प्रत्याशी सरताज सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि आरएसएस को लेकर कांग्रेस की वही राय है जो कानून की राय है। उन्होंने कहा कि सिविल सेवा आचरण संहिता के तहत कोई भी शासकीय अधिकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता और कांग्रेस का भी यही कहना है। उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोग यह तय कर लें कि क्या वे राजनीतिक हैं या गैर राजनीतिक। उन्होंने कहा कि अब यह नहीं चलेगा कि स्वयं को सांस्कृतिक बताकर राजनीति भी की कर ली जाए। आरएसएस को लेके कांग्रेस का एक ही स्टैंड है जो कि कानून का स्टैंड है। कानून में लिखा है बेटा, कानून में यह लिखा है कि अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में रहते हैं तो आप सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स हैं, ये ऑल इंडिया सर्विस एक्ट का तहत ये एक्ट रूल्स बने हैं कि आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी के पार्ट नहीं हो सकते। और ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है, पूरा संविधान के तहत है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका स्वतंत्र रहेगी, वो किसी पार्टी का पार्ट नहीं हो सकती। राफेल डील विवाद में विवेक तन्खा ने कहा कि इस डील में गड़बड़ी तो हुई है, जैसा कि राहुल गांधी आरोप लगाते हैं इस पूरे विवाद में कानूनी त्रुटि हुई है और जो प्रोसेस तय की गई वह गलत थी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। याद है इनकी सरकार। जब ये दिल्ली में बैठकर गुलछर्रे उड़ा रहे थे ना, तब एक शिवराज भैया ही थे
जो हमारी लाडलियों की पढ़ाई लिखाई, उनके शादी ब्याह की फिक्र मामा बनकर कर रहे थे। आधी आबादी का दर्द समझ में नहीं आता था इन्हें। अरे माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दें, भाजपा को वोट दें। याद है इनकी सरकार, जब ये चांदी के बर्तनों में दावतें उड़ा रहे थे ना, तब शिवराज ही था जो 1 रुपए किलो में अनाज और 200 रुपए में बिजली देने में जुटा हुआ था। गरीब का पेट भरना तो दूर की बात, 10 सालों में कमर तोड़ दी थी इन लोगों ने। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार, ये वही लोग हैं जो गरीबों की टपकती छतें देखकर अपना मुंह फेर लिया करते थे। वो तो मोदी आया तब जाकर हमारे सर पर पक्की छतें आई। गरीबी हटाओ कहते कहते गरीबों का ही हक खा गए थे ये लोग। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार, ये जब बुजुर्गों से पैर छुआ कर चौड़े हुए जा रहे थे ना, तो हमारा शिवराज उन्हीं बुजुर्गों को माँ बाप मान के तीर्थ यात्रा करवा रहा था। आज वोट लेने की बारी आई तो बुजुर्गों को गले लगाने का ठोंग कर रहे हैं ये लोग। ए माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दें।